नैना देवी की ग्राम पंचायत मझेड़ के गांव थापना में एक ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है। नए हथकंडे के तहत शातिरों ने अब गांव की भोली भाली महिलाओं को फोन पर फरेब करके उनके खाते से पैसे हड़पने शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही एक मामले में गांव थापना के पवन कुमार के खाते से 32,000 रुपए की राशि ठगों ने हड़प ली है। शिकायतकर्ता पवन कुमार ने बताया कि उनके शिशु डिलीवरी की राशि खाते में पड़नी थी। इसको लेकर ठगों ने उनको फोन किया और झांसे में लेकर उसके गूगल पे नंबर से करीब 32,000 रुपए की राशि निकाल ली। पवन कुमार ने बताया कि इस कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उसे सतर्क नहीं किया, बल्कि वह फोन पर जैसे शातिर कहते रहे वैसे ही करती रही। इसको लेकर पवन कुमार ने थाना स्वारघाट में शिकायत दर्ज करवा दी है। नमस्कार जी, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं गांव थापना के रहने वाला स्थायी निवासी हूं, ग्राम पंचायत मझेड़ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक घटना घटी कि मेरे छोटे बच्चे शिशु डिलीवरी के पैसे अकाउंट में पड़ने थे, जो हर एक व्यक्ति के पड़ते हैं। मुझे घर से मेरी घरवाली का फ़ोन आया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कॉन्फ्रेंस पे बात कर रही है और साथ में उनके अधिकारियों बोल रहे हैं कि आपके बच्चे जो शिशु डिलीवरी उनके पेमेंट 14,000 रुपये आपके अकाउंट में पड़नी है, फिर आप अपना गूगल पे नंबर दो। फिर घरवाली ने बोला कि उन्होंने पहले मेरे छोटे भाई का गूगल पे नंबर दिया, उन्होंने बोला इसमें नहीं पड़ेंगे, आप अपने हस्बैंड का नंबर दो। फिर मुझे घर से कॉल आई मेरी घरवाली की कि कॉन्फ्रेंस पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बात कर रही है और बोल रही है कि आपकी शिशु डिलीवरी के पैसे पड़ने हैं। तो जैसे मैंने उनको अपना मोबाइल नंबर खाया गूगल पे, तो फिर मैंने पहले पता करना चाहा कि सच में पैसे पड़ने ने। फिर मैंने बात की तो कॉन्फ्रेंस पे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बात कर रही थी। जब मैंने पता किया, उन्होंने बोला कि हाँ जी मैं नीमा देवी से बिट्टू से बोल रही हूँ, मैं और विश्वास में आ गया भी मेरे पैसे बाकी पड़ने थे और पड़ने भी थे उस शिशु की डिलीवरी के। जैसे उनके कहने से मेरे पैसे आए 10,000 रुपये भी मेरे अकाउंट में आने के बजाय उन्होंने मतलब मेरे पैसे वहाँ से उठा लिए, जिससे मेरा 32,300 रुपये गायब हो गया। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इन धोखाधड़ी लोगों चाहे कोई भी है उनसे हमेशा सचेत रहें, क्योंकि हम सभी लोगों का सबसे ज़्यादा विश्वास इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर होता है, क्योंकि है हमारे घर में हमारे बच्चों का भी वजन करने का भी, राशन की लिस्ट लेने का भी, आधार कार्ड नंबर का भी, बैंक की कॉपियाँ आधार कार्ड नंबर लेने के लिए जाती रहती हैं और मेरे आंखों के सामने भी 3-4 बार मेरे घर पर आई हैं। तो मैं सरकार और प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनके जो धोखाधड़ी हुई है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो बाहरी बंदे हैं चाहे अपने बंदे कोई भी, क्योंकि हम तो सिर्फ जैसे मैंने कॉन्फ्रेंस पे बात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से की और उसने बोला जी हाँ जी मैं नीमा देवी सिमेंट से बोल रही हूँ, तो मैं उसके विश्वास पे आके उनको अपना गूगल पे नंबर लिखा दिया। नहीं तो मैं भी ऐसे मतलब वो निकलने वाला था कि मैंने किसके बहकाव में आकर या किसके दुआ में आकर अपना गूगल पे नंबर देना था। तो मैं सभी भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि जिनकी डिलीवरी हुई है डिलीवरी होनी है वो कभी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के थ्रू किसी भी फोन पे बात ना करें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नैना देवी से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। आपके क्षेत्र में भारत सरकार के MSME टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा प्रमाणित नर्सरी टीचर नैनी योगा ट्रेनर के दाखिले शुरू हो चुके हैं। सीट अलॉटमेंट के लिए आज ही संपर्क करें अपने NCFSE के केंद्र में 7814609930।